हेलो फ्रेंड, कुकिंग में डिजी बाई पिंकी में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ काला चना की कोफ्ता करी। बनाने के लिए 2 टमाटर, 2 प्याज, 10 बड़ा लहसुन, 1 इंच अदरक और काला चना चाहिए। मैंने 1 कप काला चना भिगो के रखे थे 2-3 घंटे के लिए। उसको मिक्सर ग्राइंडर में पेस्ट बना लिया। स्वाद अनुसार इसमें नमक डालेंगे, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर। सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें स्वाद अनुसार ही नमक डालना। चना को थोड़ा दरदरा सा पीसना है। मैं छोटे छोटे कोफ्ते के आकार दे दूंगी। एक कटोरी में जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर और टोमेटो पेस्ट अच्छे से पेस्ट बना लेंगे कि एक साइड फ्राई हो गया कोफ्ता, तो दूसरी साइड फ्राई करना है। गैस को मीडियम फ्लेम में रख के अब फ्राई करना। आप मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना। सारे कोफ्ता अच्छे से फ्राई हो गया। अभी इसको प्लेट में उठा के रखा है। अभी उसी तेल में 1/2 टीस्पून साबुत जीरा, 1 तेजपत्ता, 1 सूखा मिर्ची हल्का सा फ्राई कर लेंगे। करके जो 2 प्याज काट के रखा था उसको मिक्सर ग्राइंडर में पेस्ट बना लिया, उसको डालेंगे। उसके साथ अदरक लहसुन भी डाला था एक साथ। सारे पेस्ट बना लिए। उसको हल्का सा फ्राई करके कटोरी में जो पेस्ट बना है उसको डालना है। गैस के गैस को मीडियम टू लो फ्लेम में रख के अच्छे से फ्राई कर लेंगे मसाला को। जब तक मसाला से तेल ना छिड़े तब तक मसाला को फ्राई करना है। इसमें स्वाद अनुसार नमक डालना, क्योंकि कोफ्ते में पहले से ही नमक डाल दी हूँ। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल के मसाला अच्छे से, देखिए फ्राई हो गया, मसाला से तेल छोड़ना शुरू हो गया। अभी इसमें मैं 1 गिलास पानी डालूँगी, 1 से 1.5 गिलास पानी डालूँगी। अच्छे से उतल आ जाए उसके बाद मैं कोफ्ते को डाल दूँगी। डाल के गैस को बंद करना है। सारे कोफ्ते को डालना है। आप एक बार काला चना के ऐसे कोफ्ता बनाकर खाकर देखिए, बहुत टेस्टी और इजी रेसिपी है। चावल के साथ, रोटी पूरी के साथ आप खा सकते हो। घर पर एक बार ज़रूर ट्राई करना। कमेंट में लिखता है कैसे बना है। देखिए गैस को बंद कर दिया, ऊपर से गरम मसाला और घी डालना है। डाल के